लंदन में एक बार एक घटना हुई, स्वामी भव्यानंद जी वहाँ हमारे मठ मिशन के बड़े साधु थे, अभी वो गुजर गए हैं। 40 साल वह वेदांत का प्रचार किया लंदन और ब्रिटिश आइलैंड में। तब उनको एक इनविटेशन आया स्कूल से, हाई स्कूल से, इंग्लिश हाई स्कूल से, सब इंग्लिश बच्चे पढ़ते हैं, अंग्रेजी बच्चे पढ़ते हैं। वो हेडमास्टर ने लिखा था, स्वामी हमारे बच्चों को हम सब धर्मों के बारे में कुछ सिखाते हैं, कंपैरेटिव रिलीजन, तुलनात्मक धर्म, तो हमारे बच्चे ध्यान के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं। हम जानते हैं कि आप ही इसके लिए अधिकारी पुरुष हैं जो ध्यान को सिखा सकते हैं, तो आप एक करीब एक दिन के लिए आइए हमारे स्कूल में, हमारे हायर क्लास के बच्चे जो हैं उनको ध्यान सिखाइए। महाराज जी भव्यानंद जी ने लिखा, मेरा कोई आपत्ति नहीं है, फिर आपको कुछ तैयार करके रखना पड़ेगा, ये कमरा बना दीजिए, जो ये ध्यान सीखना चाहते हैं उन बच्चों को वहाँ बिठा दीजिए, वहाँ 3 फोटो रख दीजिए, एक भगवान श्री राम कृष्ण जी का, दूसरे भगवान बुद्ध का, तीसरा जीशु क्रिस्त का, ये तीनों फोटो रख दीजिए, और दूसरा जो करना है मैं खा के करूँगा। ठीक, वो व्यवस्था होगी, वो चले गए और बच्चे सब बैठे हैं। स्वामी जी ने कहा बच्चों से, देखो तुम बच्चे सभी कुछ, मैं ऐसा जानता हूँ कि आप सब लोग क्रिश्चियन हैं, जो भी हो ध्यान के लिए, क्रिश्चियन भी ध्यान कर सकता है भगवान का इसी एक ही रूप से, इसी तरह हिंदू, इसी तरह मुसलमान, सभी ध्यान लगाना हो तो भगवान का ध्यान एक ही जैसा होता है। फिर ध्यान के लिए कोई एक मूर्ति चाहिए, एक अवतार पुरुष चाहिए, तब तो ध्यान हो सकता है। इसलिए मैं आपके सामने, तुम लोगों के सामने 3 फोटो रखे हैं, एक जीशु का, एक भगवान बुद्ध का, एक भगवान श्री राम कृष्ण का। तुम लोग इसको देख लो, 5 मिनट के अंदर देख के तुम ठीक करो तुम किसको पसंद करते हो, तो मैं उसी के मुताबिक तुम लोगों को ध्यान सिखाऊंगा। 5 मिनट टाइम दिया, 5 मिनट के बाद सभी बच्चों से पूछा, अच्छा किसको कौन से अवतार अच्छा लगे बोलो। पूरा क्लास हाथ उठा के, हमें रामकृष्ण अच्छा लग गया, जीसु को छोड़ दिया, बुद्ध को छोड़ दिया, रामकृष्ण को हाथ उठा दिया। क्यों उठाला? रामकृष्ण के अंदर बुद्ध भी है, जीसस भी है, सर्वधर्म समन्वय, सभी धर्मों के मूर्तिमान बन गए। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, सर्वधर्म स्थापकत्व सर्वधर्म स्वरूप का, सभी धर्म के स्वरूप बन गया। और आचार्याणाम महाचार्यो, आप सभी आचार्यों में महाआचार्य है, सब अवतारों में सर्वश्रेष्ठ अवतार है। श्रेष्ठ अवतार का माने है क्या है? सब छोटे हो गए ये बड़े हो गए, रामचंद्र से रामकृष्ण बड़े हो गए, कृष्ण से बड़े हो गए, जीशु से बड़े हो गए, ऐसी बात नहीं है। तो उसका अर्थ है जो राम हो के आए थे, कुछ शिक्षण कुछ उपदेश लोगों को दिया उस समय के मुताबिक, और उस समय में वे ही अवतार वरिष्ठ थे। उसके बाद कृष्ण आए और उसमें और कुछ जुड़ा, उस समय के लिए जो चाहिए था वैसे उपदेश दिए। इसी तरह अभी श्री राम कृष्ण समयोपयोगी, इस युगोपयोगी अवतार है, इस युग के लिए क्या चाहिए उस वैसे धर्म का उपदेश दिया। उन लोगों ने उन समय के मुताबिक उपदेश दिए। इस कलयुग में अभी ये जो 2022 में हम हैं, अब की क्या धर्म चाहिए, हमें कैसे धर्म का पालन कर सकते हैं, इसका उपदेश हमें भगवान श्री राम कृष्ण से मिलेगा। इसीलिए अवतार वरिष्ठ इस युग के लिए आप ही सबसे अच्छे रिलेवेंट अप्रोप्रिएट अवतार है। अभी तो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी कहते हैं हम, किसी एक टेक्नोलॉजी को हम नहीं लेते, एक मेडिकल मेडिसिन को नहीं लेते अभी, तो जो जो मेडिसिन में आपसे देगा वो मेडिसिन में जाएंगे। क्यों कहें कि कोई एलोपैथी ये सब कुछ है या होम्योपैथी सब कुछ है, जो कुछ हमें ठीक करता है वो भी अच्छा है। अप्रोप्रिएट मेडिसिन, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, अप्रोप्रिएट टीचर्स, इसी तरह अप्रोप्रिएट अवतार बन गए। इस युग के लिए हमें कैसा धर्म चाहिए, भगवान श्री राम कृष्ण को सिखाया। इस युग में
सिर्फ हमारा धर्म ही सबसे अच्छा धर्म है, दूसरा धर्म निम्नतर धर्म है, ऐसा बोलने वाला नहीं चलेगा। सभी अब समानत्व का युग है, सभी समानता चाहते हैं, धर्म में भी समानता चाहते हैं, तो ऐसा धर्म होना चाहिए सभी धर्म को समान माने। यही है श्री रामकृष्ण का धर्म, यही सनातन धर्म है। श्री रामकृष्ण देव ने सनातन धर्म का उपदेश दिया, जिसमें बताया गया है सभी धर्म अच्छे हैं, अपने अपने अनुयायी के लिए, अपने अपने अनुयायियों को मोक्ष पहुंचाने वाला धर्म वो उन धर्म वालों को अच्छा धर्म है। जो धर्म से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है वो अच्छा धर्म है। ईसाई लोगों को ईसाई धर्म अच्छा है, मुसलमान लोगों को मुसलमान धर्म अच्छा है, इस्लाम अच्छा है, बौद्ध धर्म को बौद्ध धर्म अच्छा है, हिंदुओं को हिंदू धर्म अच्छा है। इस तरह सभी धर्म अच्छे हैं, सभी बराबर है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। सभी धर्मों का मूल तत्व क्या है श्री रामकृष्ण ने उसको बता दिया। सभी धर्म का लक्ष्य क्या है, भगवान को देखना। भगवान को देखने से क्या होगा, भगवान को देखने से हमें अनंत जीवन मिलेगा, अनंत आनंद मिलेगा। हमें माने ये शरीर नहीं है, शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा, हम जो कह रहे हैं ना, हम ये शरीर नहीं है, ये शरीर के पीछे मन है, उसके पीछे आत्मा है, ये आत्मा ही हम है, न मन है न शरीर है, ये जो आत्मा है, ये आत्मा अभी सोच रहा है मैं शरीर हूं। इसलिए हम इंद्रिय सुख को सुख कहते हैं। ये सुख कितना दिन मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा 160 मिलेगा, जब तक ये इंद्रिय रहते हैं, ये शरीर रहता है, उसके बाद सभी समाप्त हो जाता है। 100 साल का ही सुख मिलेगा। हमारा जीवन भी 100 साल ही सोचते हैं, अगर हमको शरीर सोचे। फिर वेदांत हमको बताता है, अनुभव कराता है, तुम ये शरीर नहीं हो, इसके पीछे रहने वाले अनंत आत्मा हो। जब हमें यह ज्ञान हो जाता है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये शरीर जैसे कपड़ा है, कपड़े के अंदर हम आदमी अलग हैं, 10 कपड़े पहनते हैं 10 साल में, फिर आदमी एक ही रहता है, आदमी बदलता नहीं है। कुत्ता भी समझता है, आप जिस ड्रेस में आने पर भी कुत्ता समझता है ये एक ही आदमी है। इस तरह ज्ञानी लोग हमको देख के पहचान लेंगे, अरे ये वो एक ही आत्मा है, पिछले जन्म में भी यही आया था मुंबई में, उसके आगे जन्म में भी मुंबई में इस लोकेलिटी में आया था, अंधेरे में आया था, अब यहाँ आया है, संताक्रूज में आया है, शायद ये खार